तारक भाई ने बड़ी मेहनत की है जी ये बैंगन वगैरह बनाने में, देख रहे मेरे पीछे लगे हुए हैं ये कश्मीर के लकड़ी के, तो इन्होंने मेरे ख्याल 12 से 15 बैनर बनाए हैं, तो 10 से 11 आदमी हैं यहाँ, यानी एक बैनर उठाने के लिए एक आदमी भी इकट्ठा नहीं हुआ, और ये यहाँ की सूरत हाल है। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, कल 5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर था, ये एक अरसे से हम मनाते आ रहे हैं सरकारी तौर पर, जब से नवाज शरीफ ने इसको 5 फरवरी को डिक्लेयर किया था योम यकजहती कश्मीर। देखिए कश्मीर का मसला जो है वो तकरीबन 75 साल पुराना है, बल्कि इससे भी शायद ज़्यादा ही हो, तो हर साल हम तो जब से होश संभाला है तो देखते आ रहे हैं कश्मीर के हवाले से रैलियाँ और प्रोग्राम, और इवन जो बेशुमार हमारी ऑर्गेनाइजेशनें जो हैं हाफ़िज़ सईद और जमात इस्लामी वगैरह, वो जहादी भी भेजते रहे हैं। मैं खुद जानता हूँ कुछ लोगों को जो कि वहाँ जाके कश्मीर में शहीद हुए हैं, पाकिस्तानी हमारे मोहल्ले के लोग दोस्त उस जदोजहद में। तो अभी कुछ अरसा से मैं बार बार वीडियो कर रहा हूँ जिस पे मैं बता रहा हूँ, बेशुमार दफ़ा किए हैं कि ये जो हमारा हुक्मरान तबका है और स्पेशली हमारी जो वो कुवतें हैं जो कि मसला कश्मीर को उजागर रखती हैं, उनकी दुकानदारी अब बंद होने को है, बंद हो रही है, इंटरनेशनल प्रेशर भी है और ख़ुद भी उनकी अब ये चूरन नहीं बिकता ज़्यादा, तो आप लोग जो है ना इस पर अब ज़्यादा तवज्जो ना दे, कोई और काम करो। तो कल क्योंकि जो मैं जत्ती कश्मीर था तो कल काफ़ी दिनों से इस प्रोग्राम की तैयारियां हो रही थी, और इस वक्त आजकल मैं लंदन में हूँ, तो लंदन में जो हमारे दोस्त ही हैं चौधरी तारक महमूद साहब, उन्होंने और उनके साथ मिलके जो एक और ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल गालबन ग्लोबल कश्मीर सुप्रीम कौंसल, राजा सिकंदर हयात साहब की, वो भी हमारे भाई हैं बड़े, तो काले खान साहब उसके सदर हैं, तो वो थी और एक दो और छोटी मोटी तंजीमें थी जिन्होंने मिलके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, और काफ़ी दिनों से इसकी एडवर्टाइजमेंट भी हो रही थी, सोशल मीडिया पर बात हो रही थी। तो लंदन जो कि दुनिया का सेंटर है, जो कि सियासत का सेंटर है, कितने लोग थे इस प्रोग्राम में, 10, टोटल 10 लोग थे और 3 या 4 मीडिया के लोग थे, और वो भी अननोन चैनल, कोई बड़ा चैनल नहीं था, 10 लोग। और इसी तरह जब मैंने चेक किया तो ब्रसल में 12-13 लोग थे, यहाँ के यूरोपियन पार्लियामेंट है, स्पेन में जब फ़ोन किया फुटेज देखी 30 से 35 लोग, पेरिस में 20-21 लोग, इसी तरह दूसरे मुल्क, कई मुल्कों में जैसे हॉलैंड वगैरह हुआ ही नहीं, तो क्या कश्मीर ख़त्म हो गया, कश्मीर बन गया पाकिस्तान, वो जो हम ले के रहेंगे आज़ादी इधर भी उधर भी, वो किधर गई। पाकिस्तान में थोड़ा बहुत ड्रामेबाजी हुई, सदर पाकिस्तान ने कह दिया जी ये हमारा टूट अंग है हम जारी रखेंगे, चैने बनाई गई और एक दो जगह पे एक जी इंसानी हाथों की चैने बनाई और अम्बेसियों में छोटे मोटे प्रोग्राम किए, लेकिन इस तरह आज़ादी मिलती है, मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ। हम लोग लेके गए थे अलमुस्तवा फाउंडेशन के थ्रू, हमने खाना लेके जाना था कश्मीरियों के लिए, पाकिस्तानी फ़ौज ने पाकिस्तानियों ने हमें पाकिस्तान में रोक दिया, जबकि उसमें इंटरनेशनल भी कुवते नुमाल थी, 2 हाउस ऑफ लॉर्ड के मेम्बर हमारे साथ थे, इन्होंने हमें इजाज़त नहीं दी उस तरफ जाने की। उधर के इवन इंडिया वाले कह रहे थे कि ठीक है जी आप भेज दें हम आगे से रिसीव कर लेंगे, इंडियन आर्मी रिसीव करने के लिए तैयार थी उन लोगों के लिए खाना, लेकिन हमारे लोगों ने हमारी फ़ौज ने हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी है इन्होंने कहा नहीं जी आप इस एक जो जगह कोटरी था या कहा उससे आप आगे नहीं जा सकते। फिर वो खाना वहीं बटा 100 ट्रक था, वो मेरी फेसबुक पे पड़ा हुआ और यूट्यूब शायद मैंने फिल्म वीडियो भी की है उस पर। तो ये है हमारा, और उसके बाद एक दफ़ा लोग गए भी थे कि हम जाएंगे बॉर्डर तोड़ देंगे, तो पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों काफ़ी लोग मर चुके हैं, ये उनकी मुखलिसी है। लेकिन एक चीज़ मैं कल के हवाले से एक वैसे इस जदोजहद के हवाले से कहता हूँ, हम कहते हैं ना योम यकजहती कश्मीर, यकजहती क्या होती है, जैसे लास्ट टाइम हमारे बलूचिस्तान में तकरीबन 6,000 कोई कहता 8,000 मिसिंग पर्सन है, तो वो मिसिंग पर्सन के लोहाकीन ने एक रैली निकाली थी, पैदल मार्च किया था बलूचिस्तान से लेकर इस्लामाबाद तक। अब वो मार्च जहाँ आता था, जैसे एक मिसाल है वो मार्च मुल्तान में आया, तो मुल्तान के लोग यकजहती के लिए साथ आए, वहाँ जलसा हुआ, उनके साथ मिले, खाना वाना दिया उनको किया, वो आगे चल पड़े। फिर वो खाने वाला आए, खाने वाले के लोगों ने उनके साथ यकजहती की, लाहौर है लाहौर के लोगों के साथ यकजहती की।
अब मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जिन्होंने कल ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं पूरी दुनिया में, और इससे पीछे भी और उससे पीछे भी सब प्रोग्राम अभी, मुझे एक बात बताएं, जिन लोगों से आप यकजहती कर रहे हैं वो कहाँ हैं? कि कश्मीरी, जो कश्मीरी लोग हैं जो कैद हैं, क्या उनके कोई रिश्तेदार, कोई यार दोस्त, कोई फैमिली मेम्बर, कोई यहाँ नहीं है जो एहतजाज कर सके? यहाँ बलोच तो आए, बलोच यहाँ प्रोग्राम करते हैं, सिखों के खालिस्तान वाले यहाँ प्रोग्राम करते हैं, खुर्दस्तान वाले करते हैं, सारी दुनिया के लोग हैं, वो कश्मीरी कहाँ है? वो कहाँ प्रोग्राम करते हैं? असल तो होना चाहिए वो ऑर्गेनाइज करें और हम उनके पास जाएं यकजहती के लिए। इधर 80 मामे बने हुए हैं कश्मीर वाले, हमारा तो आज़ाद कश्मीर, तो आज़ाद कश्मीर है, तो आज़ाद कश्मीरी, ओ हमारे भाई उधर मर गए, हमारे भाई, आप मेरे मुँह सुनोगे सारे ने इतने नाइट शपा पाई हुई हैं, अल्कोहल बेचन रहे ने, शराब दिन दुकाना 24 आवर पाई हुई हैं, प्रॉपर्टियां रखी हुई हैं, मिकी तो कार बनाई छोड़े ने उत्थे, वो तो वेले पे ने जड़े, ते वो नोट कमा रहे ने, और कश्मीर के नाँ पर जो फंड आ रहे हैं, कश्मीर हाउस हमने बने देखे हैं ब्रसल में भी, हॉलैंड में भी, दूसरी जगह जहाँ कैसे फंड आते हैं और कैसे होते हैं, और तुम मामे रख दो, असल कश्मीरी कितने ने? उन्होंने प्रॉब्लम वो क्यों नहीं, वो तो वो जदोजहद कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं, उनको बाहर जदोजहद करने की जरूरत नहीं, वो वहां लड़ रहे हैं, वहां मर रहे हैं, वहां भी हम लोग भेजते हैं दो चार बंदे नकाब पहन के, पाकिस्तानी झंडे लड़ा देते हैं, हम उनको हाईलाइट करके देखो जी नारे लगवा दिए कर दिए, वो उंगल देना बंद करो। खालिस्तान का भी हो रहा था तो पाकिस्तानी गए हुए जी खालिस्तान के साथ यकजहती करने, और बाबो खालिस्तान का तड़ा की तलक है, तो ये नहीं समझ आती इडियट हो कि कल खालिस्तान बन गया तो खालिस्तान वाला का जो कैपिटल है लाहौर का रखा है, वह नक्शा जाकर देखो, ननकाना साहब खालिस्तान के बच्चे आता है, पंजा शरीफ और हसन दालन ननकाना, वो खालिस्तान का हिस्सा बना रहे हैं, तो बाद फिर इन्हें लड़ोगे, लेकिन नहीं, इंडियन दुश्मनी से असी उंगल देनी देनी है, असी फलस्तीन के भी मामे बनना है, असी चचनिया के भी मामे बनना है, असी बर्मा के भी मामे बनना है, पूरी दुनिया अपनी आवाम के असी मामे नहीं बनना, अपनी आवाम भुखी मर जाए, बलोचिस्तान की हाल है, अद्धा बलोचिस्तान पहाड़ों से चढ़िया आया, अद्धा आबादी पूरी दुनिया च गई हुई है, जेड़े कि लड़न डे ने पठाना ना असी नहीं, वो पख्तून तहफ़ मूवमेंट और दूजे वो उत्थे साढ़े पंजाब मसले ने, ईवन पंजाब च की हाल है दुनिया च, असी ह्यूमन राइट्स दुनिया के आखिरी नंबर से, मीडिया राइट दुनिया के आखिरी नंबर से, तो कश्मीर च ह्यूमन राइट के असी मामे बने हैं, तो ये चूरन विकना बंद हो गया, इंटरनेशनल कम्यूनिटी और सारे जान चुके हैं कि हुण कोई नवा चूरन लभो, तो अज की मेरी आखिरी पैगाम है, तो दोस्तों यारा जो अज भी कश्मीर का दर्द भरते हैं, जिन्हें तलक ही कोई नहीं कश्मीर का, तलक ही कोई नहीं, वो साढ़े भाई चौधरी तारू साहब कराची तो ने, वो सब तो अगर झंडा चुके बैठे हुए हैं, और वो फिर इधर उधर उधर दोस्त वगैरह स्पॉन्सर करते हैं, मैं तो कहना तेन जितों पैसे आते हैं मैं पता, पर शरीफ आदमी उन्होंने कितों आने ने, लेकिन ये कि ये हूँ मेरा ख्याल है तमाशा बनाना छड़ दीए, क्योंकि 10-12 लोग जो निकलते हैं सड़क पर, तो इंडियन ने की हसना, बाकी लोग भी हसते हैं कि पागल जे खड़ोते हैं, तो योजे एहतजाज नालों ना करना ही बेहतर है, तो वाकई साडा वैसे भी एहतजाज बनता ही नहीं, अस तो आज़ाद कश्मीर लैके बैठे हैं, तो दूजा जो लैना है तो फिर लैना है, तो फिर तरीके लवो, एटमी कौन तो असी पाकिस्तान का 60% तो ज़्यादा कारोबार साड़ी फौज कर रही है, बेशुमार बिजनेस है, दुनिया नंबर वन फौज है साड़ी, तो चलो ना लीए कश्मीर, इंज लैना एहतजाज करा के अबैसियाँ के खड़ो के कश्मीर आना, कि उस हज़ार पौन के एहतजाज न कश्मीर आजाद नहीं होना, फिर लगाओ खून पसीना एक करो और जदोजहद करो और लड़ो और दिखाओ इंडिया को, बड़कबाजी नहीं, फिर चलो चढ़ाई करो जिमें उन्होंने की पैंट से, हालांकि की नहीं सी, लेकिन कहते असं कहने पैंट से कि मूँह तोड़ जवाब दिता, तो तुम भी एक बार चढ़ाई करके देख लो, अगे भी असं बड़े जबालटा के फलाने फलाने ऑपरेशन किए ने, एक तीन जंगा एक ही चौथी फिर करके देख लो, असं थोड़े नाल हाँ, लड़ो तो सही, कदम बढ़ाओ जवानों, हम तुम्हारे साथ हैं, अज वास्ते इतना ही, अल्लाह हाफिज़।